नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे संविधान मतलब पॉलिटी कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था या भारत का संविधान जो भी बोल दीजिए। इसको संविधान में हम लोगों ने संविधान के स्रोत देख लिए थे, कौन कौन से देश से क्या क्या चीजें लिए गए हैं। हम देखेंगे अब आज संविधान में अनुसूचियां कौन कौन सा अनुसूची है, कितनी अनुसूची है और कब कौन सा अनुसूची को ऐड किया गया है, कौन सा शेड्यूल का कब ऐड किया गया, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो हमारा पहली अनुसूची क्या बोलता है, राज्य के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, राज्य के फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। इसमें क्या बोला जाता है कि भारतीय संघ के घटक राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा 28 स्टेट हो गया, ठीक, और इसमें कितने संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, प्लस 8 जो है यूनियन टेरिटरी, ठीक। तो ये सब के बारे में हमको शेड्यूल वन बोलता है। तो अगर हमको कोई भी राज्य की सीमा वगैरह इस समय क्या बोलते हैं संशोधन करना है, बढ़ाना करना है, तो हमको शेड्यूल वन में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसके द्वारा ये हमको समझ में आता है, ठीक। दूसरी अनुसूची क्या बोलते हैं, सेकंड शेड्यूल, प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, वेतन हो गया, भत्ते हो गया, पेंशन हो गया, ये सब का उल्लेख किया गया है। ये सब का जो भी वेतन भत्ते और पेंशन, ठीक। तो इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी हैं इन लोगों, जैसे कि हमारा हो गया राष्ट्रपति, भारत का फर्स्ट नागरिक होगा, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो गया, राज्यों के राज्यपाल हो गया, ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, और उसके बाद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के जो भी सभापति हैं और उपसभापति मतलब एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और उपसभापति हो गया राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य विधानसभा के जो भी अध्यक्ष हैं उन लोगों का क्या है, इन लोगों क्या वेतन मिलेगा, भत्ते पेंशन के बारे में उल्लेख किया गया है इसमें, ठीक। राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ऑफ इंडिया, इनका भी इसी में उल्लेख किया गया है। अनुसूची तीसरा, अगर थर्ड शेड्यूल की बात करें थर्ड शेड्यूल में शपथ प्रतिज्ञा, शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बात किया गया, मतलब इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे कि मैं बात करें तो मंत्री हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इन लोगों का पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया। तो पद ग्रहण के समय जो भी कौन कौन, जैसे मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस, जजेज, इन लोगों का जो है शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है किसमें, तो शेड्यूल 3 में। अच्छा, जैसे कि अब राष्ट्रपति का शपथ जो होता है ये शेड्यूल 3 के अंतर्गत नहीं आएगा, ये इसमें शामिल नहीं होगा। उसके बाद फिर राज्यपाल 159 के शपथ, ये एक्चुअली राज्यपाल राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 60 के अंतर्गत अपना अपने पद का शपथ लेता है, ठीक। और राज्यपाल जो है 159 के अंतर्गत, 60 में से माइनस 1 59 राज्यपाल ये लेता है, इवन राज्य के राज्यपाल जो है 159 के अंतर्गत शपथ लेते हैं तो ये दोनों जो है इसके अंतर्गत नहीं लेते हैं बाकी सभी जो है जैसे कि मंत्री जो भी हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सब लेंगे शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत। चौथी अनुसूची में क्या होता है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक। फोर्थ शेड्यूल क्या बोलता है कि जो भी हमारे राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश स्टेट हो गया और यूनियन टेरिटरी के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो राज्यसभा में कितनी सीटें कौन से राज्य से हैं इसके बारे में चौथे शेड्यूल में दिया गया है, इसका विवरण दिया गया है। पांचवें अनुसूचित, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है, मतलब अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति
क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में आपको उल्लेख मिलेगा, प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में आपको इसके बारे में अनुसूची 5 में। इसके अलावा छठवीं अनुसूची में क्या बोलता है, इसमें 4 राज्य जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को मेन ध्यान दिया गया है राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में। ये जो राज्य है 4 कौन सा, मैप में अगर देखिए तो सब एक जगह है। ठीक, एक मिजोरम इसे ऊपर से चले जाएगा तो असम हो जाएगा, असम यहाँ पर, असम इसे यहाँ पर मेघालय हो गया, यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा और यहाँ पर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सब छठवें अनुसूची में। ये चारों अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि छठवें अनुसूची में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नहीं है, और पांचवें अनुसूची में 10 राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे करके 10 राज्य उसमें हैं। ठीक, अब सातवीं अनुसूची में, सातवीं में क्या है, राज्य और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अच्छा, संघ सूची में 100 विषय का प्रावधान है, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन संघ सूची की अगर बात करें, जब संविधान हमारा लागू किया गया था, मतलब मूल रूप से इसमें 97 सब्जेक्ट थे। ठीक, और इसके बाद अगर हम बात करें राज्य सूची में, तो वर्तमान में राज्य सूची में कितने थे, 61 थे। और अभी जो है कुछ बड़ा है, कुछ घटता है, इसमें कौन कौन सा चीजें हैं, कौन कौन सा मेन मेन चीजें, वो सब देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अच्छा ये समवर्ती सूची में तो शुरू में 52 सब्जेक्ट जो थे, घटते बढ़ते रहते हैं। तो संघ सूची में अगर बात किया जाए तो क्या क्या चीजें हैं जो संघ सूची में आता है, जैसे कि देश की प्रतिरक्षा प्रणाली, जो भी डिफेंस हो गया हमारा, विदेशी मामले हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट में, एक तो हो जाएगा डिफेंस, सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर, डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर हो गया, युद्ध, वार एंड पीस, ठीक, रेल हो गया, डाक हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक, बैंकिंग हो गया, और भी जैसे परमाणु शक्ति। अगर राज्य सूची की बात करें तो स्टेट, अगर स्टेट का बात करें तो इसमें हम जो विभिन्न में जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, रेलवे पुलिस इंक्लूड करें, पुलिस में इंक्लूड रेलवे पुलिस, ये राज्य सूची के विषय है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य विषय का है। ठीक, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज हो गया, कृषि एग्रीकल्चर हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, ठीक, ये सब जो है राज्य सूची के में। असमवर्ती सूची में से क्या हो गया, दीवानी, फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, शिक्षा जो है दोनों का, स्टेट एंड इसका दोनों का, वन भी हो गया दोनों का, फॉरेस्ट, आर्थिक नियोजन, ठीक, इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक, समाचार पत्र, श्रमिक, श्रमिक सर लेबर यूनियन जो है, और वन फॉरेस्ट जो है वो भी जो है क्या बोलते हैं समवर्ती सूची में। तो इसमें से मेन मेन चीजें देखना होगा और वही सब चीजें मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक, अब इसमें अगर हम आठवीं अनुसूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची में क्या है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया 3 भागों में, एक में तो हो गया यूनियन लिस्ट, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, अच्छा हो गया कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें क्या है, यूनियन और स्टेट दोनों लोग इसमें बना सकते हैं अपना कोई भी नियम वगैरह जो भी है, लेकिन अगर दोनों के बीच में विवाद हो गया तो जो यूनियन बनाया है उसको ही इसमें माना जाएगा। ठीक, इसके रिगार्डिंग जो भी मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल जाएगा। ठीक, आठवीं अनुसूची, एड शेड्यूल की अगर हम बात करें तो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 12 भाषा है, 22 भाषा है, इसमें 22 भाषाओं को प्रोविजन दिया गया है आठवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं, जिसमें से इनिशियली में अगर बात करें तो शुरुआती में इसमें टोटल 14 लैंग्वेज थी, जो अभी बढ़ करके हो गई है 22। अब बढ़ी कैसे कैसे, तो ये कैसे 22 तक कैसे पहुंचे,
तो आठवां अनुसूची में आपका क्या था? आठवीं अनुसूची में इसमें क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो है भाषा है, कितनी भाषा है? 22 भाषा, जो कि इनिशियली में ये भाषाएं थी, कितने शुरू में थी? 14, बाद में इंक्रीज हो गया 22 हो गया। कैसे कैसे? तो सबसे पहले 1967, 1967 का अगर आप देखें, 1967 का जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, एक ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम जिसमें सिंधी को जोड़ा गया था, तो वो 14+1 सिंधी, ठीक। उसके बाद फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कैसे बात करें, KMN, नवा नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, ये तीनों बन गए। तो एक ये तीन हो गए, 14, एक 15, 18। फिर इसके बाद क्या होता है, 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब? 2003 में, 2003 में। इसमें क्या है, मैथिली, संथाली, डोंगरी एंड बोडो, मैथिली लिखिए, मैथिली, संथाली, डोंगरी एंड बोडो, MSDB, ये हो गया चार। ये कितने हुए थे? 14, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल हो गया कितना? 22 लैंग्वेज, ठीक। 2011 में क्या हुआ था? उड़ीसा, उड़िया, उसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया गया था, नाम बदल गया था, ठीक है। नवीं अनुसूची, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, नवीं अनुसूची, इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट कब हुआ था? हमारे देश का जो है, जो हमारा संविधान अपनाया गया था वो 1950 में, 1951 में पहला संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी। तो पहला संविधान संशोधन हुआ 1991 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके द्वारा जो है हमारे संविधान में एक नया शेड्यूल बनाया गया, जिसका नाम था 9th, इसको 9th शेड्यूल बनाया गया। और इसमें क्या लगा कि भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित, मैं से संविधान जो भी है इसके बारे में। तो इसमें क्या प्रोविजन किया गया कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा, इसके अंदर राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। जो भी राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिकरण की विधि, उसका उल्लेख किया गया, ठीक। एक्चुअली इसमें पहले क्या था, सम्मिलित कानूनों के न्यायिक समीक्षा नहीं किया सकते, जो भी इसमें सम्मिलित कानून है उसमें न्यायिक समीक्षा नहीं किया सकते। लेकिन 2007 में संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया कि नौवीं अनुसूची से सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो आगे निर्णय क्या है, जमींदारी, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन कानून से संबंधित है आपका 9वां अनुसूची। 10वां 10th शेड्यूल, ये भी एड किया गया। 10वां कब एड किया गया? तो सन 1952 में, सॉरी 1985 में हुआ था, कौन सा? तो 52nd, यानी कि 52वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। इसके द्वारा इसमें जोड़ा गया क्या, 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में, और ये दल बदल से संविधान कानूनों का उल्लेख किया गया। इसमें क्या किया गया, दल बदल से संबंधित जो भी प्रावधान है उसका उल्लेख किया गया। दल बदलने से क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या क्या होगा, ठीक, ये सब चीजों का मतलब, एक तरफ से दल बदलने में लोगों को रोकने के लिए ये लाया गया था, ठीक। 11वां अनुसूची, जो कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित किया गया था, मतलब कि जोड़ा गया था, ये कब? 1992 में, 1992 में 73वां संविधान संशोधन, एक्चुअली 92-93 बोलेंगे, ये जो संशोधन है ये पास तो हुआ लोकसभा राज्यसभा में 92 में, लेकिन प्रेसिडेंट का साइन हुआ 93 में, लागू हुआ 93 में, तो इसको 92-93 बोला जाएगा, 93 यार, ठीक।
जिसमें पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार दिया गया इसके अंतर्गत। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया और जो है 29 विषयों को दिया गया कार्य करने के लिए। ठीक, ये किसके अनुशंसा पे हुई थी, तो बीआर मेहता, बलवंत राय मेहता की अनुशंसा सिफारिश पे ये जो हुआ था। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति बना था कब, 1957 में। ओके, तो 29 विषय इसमें चाहे तो पूछा जा सकता है कि 11वें अनुसूची में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट। ठीक, कब जोड़ा गया, तो 1992 के 73वां सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अच्छा, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ गया। ये कौन सा संविधान, तो 74वें 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ गया। ये म्यूनसिपालिटी यानी कि नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख करता है, नगर पालिका को क्या शक्ति दिया गया, क्या प्रोविजन, क्या कार्य करेंगे। ठीक, इसमें कुल 18 सब्जेक्ट है, कितना 18 सब्जेक्ट, और उसमें कितने थे 29 सब्जेक्ट। इस शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए इसमें। ये भी जोड़ा गया था 1992, वही 1992-93 सेम वही प्रोविजन। ठीक, तो ये रहा हमारा अनुसूची, उम्मीद है अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड लोगों। थैंक यू।